और अब 3 मिनट में 10 खबरें। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया डिजिटल टीम का ऐलान। भारतीय मूल की आयशा शाह को पार्टनरशिप मैनेजर के रूप में किया नामित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनकारियों से की अपील, कहा आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नहीं पहुंचाए नुकसान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से जारी तनाव पर कहा दोनों देशों के बीच बातचीत जारी, लेकिन अभी तक मामले का उद्देश्यपूर्ण हल नहीं निकला। जम्मू कश्मीर के उमराबाद में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में 12 घंटे से मुठभेड़ जारी, एक आतंकवादी ने किया सरेंडर। ब्रिटेन से लौटे 20 लोगों में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन, सरकार अलर्ट पर, ब्रिटेन से आने वाले फ्लाइट पर रोक लगी रहेगी। राजद नेता श्याम रजक का दावा, नीतीश सरकार गिराना चाहते हैं 17 जदयू विधायक, लालटेन का दामन थामने की है तैयारी। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अहियापुर क्षेत्र से हथियार के साथ 11 अपराधियों को किया गिरफ्तार, चरस और गांजा की बड़ी खेप बरामद। मोतिहारी में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभियान चला रही है, इसके तहत पुलिस के जवान रात में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाते हैं। पश्चिम चंपारण जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, उत्तर प्रदेश से बिहार में शराब तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, 2 तस्कर हिरासत में लिए गए। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया, इंडिया ने सीरीज में की बराबरी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।